हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कासगंज की प्रियंका हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक बहुटा गांव की प्रियंका अपने माता पिता के साथ पहली बार सत्संग में आई थी। परिजन ने बताया कि सत्संग समापन के बाद रेलवे स्टेशन पर प्रियंका का इंतजार कर रहे थे कि पता चला कि सत्संग में मची भगदड़ में प्रियंका हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद उसे एटा अस्पताल भेज दिया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उसका कादरगंज गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। मजा घटी है कि पहले आए जो सत्संग वाले आएंगे सब लोग, काफ़ी लोग भाग भीड़ तो काफ़ी लोग रहती, फिर उनसे आएंगे वे बाबा आएंगे, उन लोगों ने को देखो है वो आरती वगैरह भई है, सो इंसान आएंगे सब लोग, जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग तो रोड पे चल रहे हैं, पर इधर वालों ने जालम को धक्का मारो हुआ है एक साइड को, तो जाए एक साइड जितनी मौत है वही आएंगे, सूर्य की साइड वही आएंगे। अच्छा, आपके साथ में कौन कौन था? मेरे साथ में मेरी जिठानी है, दोनों लोग थी, उनकी लड़की नहीं थी, उसके मम्मी पापा जी, हम सब लोग दबे थे, पर हम सब लोगों ने उन लोगों ने तो हम लोगों को निकाल लिया है वो, पर वो लड़की है कि जिन जिठानी की, पर वो ज्यादा नीचे दबी है, वो ना निकाल पाओ है वो। ऐसा हुआ सुबह जो सिकंदर राव के पास में जो सत्संग था वहाँ ये लोग सुबह ट्रेन से गए, ट्रेन से जाने के बाद उन्होंने सत्संग देखा, सत्संग देखने के बाद ये लोग वहाँ से चले, जब सत्संग खत्म हुआ है तो जो राम से लड़की के पिताजी वो वहाँ से निकलने के बाद स्टेशन पहुँच गए सिकंदर राव, और जो लड़की की माँ और लड़की साथ में थी, तो हुआ कि लड़की वो भगदड़ बची बताई जा रही है, तो वो दब गई। दबने के बाद यह हुआ कि उस लड़की को जब वहाँ से निकाला है तो लड़की वहाँ से लेकर मृत ही थी, और वहाँ से लेकर गए वहाँ के लोगों ने कैसे लेके पहुँचे हैं एटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाके पहुँचा दिया गया। वहाँ जाके जब इनको पता लगा रास्ते में जो स्टेशन पे, तो ये वहाँ से गए और जाके देखा तो लड़की इनको वहाँ मृत्यु हो चुकी थी तब तक लड़की की। उसके बाद में पोस्टमार्टम हुआ है, शाम को डेड बॉडी गाँव में आ गई है, अब अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा,